माटी के मूरत जैसन सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लागे मटिये में सोना बा, तोहरा के देख के लागे। इस धुन को सुनकर आपको भोजपुरी के कई सारे गाने याद आ रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भैया इस धुन पर बहुत सारे गाने बने हैं मेरे भाई। जब मैं इस गाने को सुन रहा था तो भैया मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये गाना सुना सुना है, और भाई वाकई में ये गाना सुना सुना भी है और सुना सुनाया गया भी है। यानी भैया इस धुन पर तो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं वो शादी ब्याह में गीत गाती हैं मेरे भाई। तो दोस्तों ये धुन इस्तेमाल करके एक और बेहतरीन गाना बनाया गया है भाई रितेश पांडे की आने वाली अगली फिल्म आसरा के लिए, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई अब हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है, और भाई अब आपको हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ऐसी ही फिल्में सिनेमा घरों में देखने को मिलेंगी जिसको आप अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा है रितेश पांडे की आने वाले इस फिल्म में, यानी कि भैया आसरा का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने आसरा के शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा, इमोशनल ट्रेलर का रिएक्शन और रिव्यू रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है अनंजय रघुराज। उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं रितेश पांडे, सपना चौहान, नेहा पाठक, अवधेश मिश्रा और मनोज टाइगर। भाई मनोज टाइगर जो हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन में से एक हैं, और भाई अवधेश मिश्रा जो हैं भाई वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के वर्सेटाइल कलाकार हैं। वो नेगेटिव रोल भी करते हैं और अच्छे रोल भी करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आसरा के मुख्य कलाकारों की और इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है, और भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद इस बात की तो खुशबू आ रही है कि इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ भी वल्गर नहीं देखने को मिलेगा जिसको देखकर आपके अंतर आत्मा से ये आवाज निकले कि भैया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ही फिल्में बनती है और भाई ये लोग पुहर फिल्में ही बनाते हैं। यानी कि भैया फिल्म इतना बेहतरीन लग रहा है, आप जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया वाकई में ये फिल्म पारिवारिक लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये फिल्म हम अपने परिवार के साथ बहुत ही आसानी से सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं। यानी इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हमें एक स्मूथ लव स्टोरी देखने को मिल रही है। यानी कि भाई रितेश पांडे जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ईंटे के भट्टे में काम करते हैं, और वहीं पर फुलवा भाई ईंटा थापने का काम करती हैं, और यहीं पर रितेश पांडे जो हैं वो फुलवा को अपना दिल दे बैठते हैं, और वो उनका प्यार हासिल करने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में रितेश पांडे जो है वो फुलवा का प्यार पाने के लिए बेकरार हैं, और उनको फुलवा का प्यार मिल भी जाता है। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता कि भैया ट्रेलर में हमें ये बात बताई जा रही है कि भैया बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न अचानक ही इस फिल्म में आ जाते हैं। यानी कि भैया इन दोनों के प्यार की कहानी जो है इन दोनों के परिवारों को पता चल जाती है, और उसके बाद भैया फुलवा को इस बात की जानकारी होती है कि भाई उनके पिता की तो मौत बहुत पहले ही हो गई थी बचपन में। यानी भैया अवधेश मिश्रा जो है बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो भैया उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि भैया उन्होंने उनको बचपन में ही छोड़ दिया था, ये बात समझने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। और आखिर में क्यों फुलवा इस ट्रेलर में ये बात बोल रही है रितेश पांडे को कि भैया अगर तुम्हें मेरा प्यार पाना है तो तुम्हें अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे मैं ये जवाब पूरी दुनिया को दे सकूं कि भाई हम लोगों ने सच्चा मोहब्बत किया था, और अपने मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाई फुलवा की बात को मानकर रितेश पांडे जो हैं वो अपने कैरियर को बनाने के लिए निकल पड़ रहे हैं इस गांव से बाहर की तरफ। उसके बाद भैया ट्रेलर में हमें ये बात बताई जा रही है कि अचानक ही फुलवा की शादी तय कर दी गई है, उसकी शादी होने वाली है। तो भाई उसकी शादी किससे होगी, क्या रितेश पांडे
पुलवा के उस बात को पूरा कर पाएंगे जो कि उससे उन्होंने कमिटमेंट लिया था? क्या रितेश पांडे की शादी पुलवा से हो पाएगी? इस बात की जानकारी तो भैया आपको इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखकर ही मिलेगा। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही प्यारा है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें एक रोमांटिक और एक पारिवारिक फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वाकई में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है, और भाई धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्मों पर काम करते करते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेकर जो हैं वो उन लोगों को सिनेमाघरों तक वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि भैया भोजपुरी फिल्मों से पूरी तरह से विमुख हो गए थे, ये सोच करके भैया हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर केवल फूहर फिल्में ही बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने रितेश पांडे की आने वाली इस फिल्म यानी कि आसरा का ट्रेलर देखा है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि भैया ये फिल्म आप पूरे परिवार के साथ सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।